इस वक्त हम प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक अंतर्गत कुनौरा महादेव मंदिर में आइए, आप लोगों को इस मंदिर के बारे में बताते भी हैं और भगवान का दर्शन भी कराते हैं। ये मंदिर में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ की जो मूर्ति की स्थापना हुई है उसके बारे में मंदिर प्रांगण दिखाना चाहेंगे। पूरा मंदिर प्रांगण दिखा दे पंडित जी, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये मंदिर कितना प्राचीन है? अरे कम से कम 600 साल। यहाँ के बारे में कुछ और खास बातें बताना चाहेंगे? ये स्थापित नहीं है, ये मैं कैमरामैन से चाहूंगा इसको थोड़ा सा दिखाएं मूर्ति को। जहां तक हमें बताया गया है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति ये स्थापित नहीं हुई है बल्कि यहाँ पे स्वयं उत्पन्न हुई है, जो कि स्वयंभू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कुनौरा महादेव के बारे में हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, अभी तक मुझे जानकारी नहीं थी कि कुंडेश्वर महादेव भी के नाम से भी ये स्थान जाना जाता है। यहाँ पे कुछ महाराज जी लोग जाप कर रहे हैं, हम उनको भी दिखाना चाहेंगे। महाराज जी, क्या बात की जा सकती है आप लोगों से? वार्तालाप कर सकते हैं यार? प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ स्वयंभू के नाम से है, ये स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं और हर सोमवार को यहाँ पे अद्भुत मेला लगता है और काफ़ी लोगों की जनसंख्या रहती है यहाँ पे। लोग अपना अभिषेक भी यहाँ पे करते हैं और सभी की मनोकामना भी जो है पूर्ण यहाँ पे होती है और जैसे जिसका भी जो मनोकामना हो तो यहाँ जप वगैरह इत्यादि ये भी कार्य जो है निरंतर यहाँ पे चलता रहता है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। जो मेले लगे हुए हैं दुकानदार और
अभी भगवान भोलेनाथ के स्थान पे हम आए थे और ये हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। यहाँ के बारे में भी आइए, लोगों को दर्शन कराते हैं अपने सभी दर्शकों को। सर्वप्रथम तो माँ शीतला के दर्शन करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार मूर्ति जरूर देख लें। दरवाजा महाराज जी दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। अंदर जा सकते हैं। हम लोग हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाराज जी, यहाँ के बारे में, भगवान जी की मूर्ति के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितने साल प्राचीन मंदिर है ये? अरे साहेब, बहुत दिन हो गए। अरे यहाँ का पुराना शंकर जी हैं। आइए माता काली के भी दर्शन करते हैं। दरवाजा बंद है, कोई बात नहीं, हम कैमरामैन से चाहेंगे यहीं से दर्शन करा दें। चलिए, अभी हमारे बीच कुछ लोग निशान लेके आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार कवर कर लिया जाए। यहाँ के बारे में बहुत तालाब देख रहे हैं, तालाब बना हुआ है और यहाँ पे पानी के बीच में हम कैमरा मैन से चाहेंगे एक बार चारों तरफ से दिखा दें। अभी मंदिर के अंदर से हम चारों तरफ से दिखा रहे हैं। चाहेंगे कि भगवान विष्णु के दर्शन यहीं से करा दें। माँ लक्ष्मी भी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम कैमरामैन से दृश्य दिखाया जाए कि बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ के बारे में। लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है, हम उसे चाहेंगे कि वह यहाँ के बारे में जानकारी रख लें। आप देख रहे हैं यज्ञशाला, वो और आंगन क्योंकि लगता है यज्ञ के बारे में जानकारी हुई है कि बहुत से यज्ञ होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे यज्ञशाला बना हुआ है, आप यज्ञशाला देख सकते हैं। जो मेले लगे हुए हैं दुकानदार और Thank you.
एक एक चीजें खा रहा हूँ। भारत माता का नक्शा भी बनाया गया है जो कि इस मंदिर को समर्पित है। आप देख सकते हैं वंदे भारत इस स्थान पे लिखा हुआ है, भारत का चित्र बना हुआ है। पूर्ण रूप से यह चारों तरफ से घेरा गया है। आप इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं।